बहुत सारे आइटम आज बन रहा है हमारा घर में दोस्तों। बिरयानी आज बना रहा है, ये लंच और डिनर दोनों बन रहा है एक साथ। देखिए उधर नारियल और अरुआ चावल ये सब मिलाए, उसके मूली। अब मूली अरुआ चावल और नारियल में एक स्वादिष्ट बनेगा, स्वादिष्ट डिश बनेगा दोस्तों। देखते रहिए किस तरह से बना रही है आज हमारे श्रिया। ये मूली, अब मूली को उबालेंगे पानी में। क्या क्या होने जा रहा है देखो दोस्तों। देखो मूली को काट कर बारीक से उसको पानी में डाल दिया जाता है इस तरह से। आलू भी उसमें, पोटैटो उसमें भी, थोड़ा पोटैटो भी है। और आज घर में हमारा ये आइटम बनेगा दोस्तों। देखते रहिए आप लोग, बैंगन की चौड़ी सी गोल गोल के राउंड राउंड बैंगन भी कटा हुआ है। तो आज खाना हमारा होटल जैसा खाना बनेगा दोस्तों, 5 स्टार होटल की तरह आज खाना बन रहा है। अभी हम मछली लाने जाएंगे और मछली का एक डिश बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे मछली के एक माने नया डिश किस तरह से बनता है। अच्छा चूल्हे ऊपर तो अब इसको उबलने दे, उबलने के बाद फिर दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ देखिए ये नारियल और ये अरुआ चावल, ये दोनों को ग्राइंडिंग हुआ अभी। तो आज एक स्वादिष्ट और टेस्टी टेस्टी पीठा बनेगा उड़ीसा का डिश। उड़ीसा में किस तरह से डिश बनता है दिखाएंगे आप लोगों को दोस्तों। ये देखिए रसून और चार कपड़ा लहसुन भी इसमें दिया गया है, नारियल लहसुन थोड़ा मिर्ची इसमें। क्या क्या मिलाया जाता है देखिए, मिर्ची, हाँ ये देखिए लाल मिर्ची और थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर और थोड़ा सा नमक। देखिए थोड़ा सा नमक और ये चावल अरुआ चावल। अब इसको लेकर क्या करने वाले हैं चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं श्रिया जी क्या कर रही है। श्रिया जी अभी इसको ग्राइंडिंग करने वाली है। अच्छा, ये अभी ग्राइंडिंग हो रहा। और कुछ पानी थोड़ा सा वाटर इसमें मिलाया है, हाँ वाटर थोड़ा सा मिलाया है। शायद ये बन गया है, ये पेस्ट बन चुका है दोस्तों। देखते हैं पेस्ट किस तरह से बनाया, किस तरह से बना है। हाँ ये देखिए पूरा पेस्ट बन गया है। अब क्या करने वाले चलिए देखते हैं श्रिया जी। ओह श्रिया जी सुबह सुबह पूरा बिजी है खाना बनाने के लिए। अरे बिटिया हमारा क्या कर रहे, देखिए इसका एग्जाम है इसलिए वो गणेश भगवान जी को बैठा रही है। धूप फूल धूप धूप दे के ये एग्जाम देने जाएगा। अब चलिए हमारे डिश की तरफ बढ़ते हैं। चलिए डिश बनने वाली है। हाय दोस्तों मूली, देखिए ये मूली
को बॉईल कर दिया है, ये सीप पूरा सीझ गया है। अब इसमें ये पेस्ट मिलाकर इसको किस तरह से बनाया जाएगा आप लोग देखिए। आप लोग घर में इस तरह से बनाएंगे बहुत टेस्टी है, खाने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए ये पेस्ट इसमें मिलाया जाएगा पेस्ट को, और ये स्वादिष्ट डिश बनेगा, खाने के लिए बहुत ही टेस्टी रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं श्रेया जी क्या करने वाली है। पेस्ट को मिला दिया है मूली में जिसको सिझाया था। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तरह से आप लोग एक एक करके तेल में इसको छोड़ेंगे। भला गिरी बुढ़ा, ठीक है, ये बहुत ही टेस्टी होगा दोस्तों। आप लोगों इस तरह से घर में बनाकर खा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए ये पूरा बन गया है, कितना अच्छा है। जरा दिखाइए, थोड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को किस तरह से बनाया है। देखिए श्रेया जी ने ये डिश बनाया, उड़ीसा में ये ज़्यादा फेमस है। और मूली का फ्राई भजा है, ये उड़ीसा का आइटम है। आप लोगों को क्या बोलते हैं हमें पता नहीं, लेकिन आप देख के ये पता लग सकते हैं ये क्या चीज़ है। बहुत टेस्टी है और खाने में बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। ये था आज का रेसिपी।
तो एक स्नैप हम खींच लेते हैं। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी आपके साथ। गुड बाय।